वेलकम बैक टू माय चैनल रियाज किचन एंड व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ पंजाबी छोले की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे हम बहुत ही आसानी तरीके से बना सकते हैं। बहुत इजी होता है इसे बनाना, लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। मेनली इसे सर्व किया जाता है भटूरे के साथ, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे पूरी, राइस, चपाती किसी के साथ भी आप इसे खा सकते हैं। भटूरे की रेसिपी अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर, उससे आप आई बटन को प्रेस करके देख सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन के साथ, उससे मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो प्याज हैं दो बड़े लिए, मीडियम साइज़ के लिए हैं, जिन्हें फाइनली चॉप किया है। दो टमाटर की प्यूरी बना ली, और अदरक और हरी मिर्च ली, जिसे इस तरह से लंबा पतला काट लिया है। आप चाहें तो आप प्याज की भी प्यूरी बना सकते हैं, मिक्सी में कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैं कुछ मसालों का मिक्स बनाऊंगी, जिसमें मैंने सबसे पहले 2 चम्मच लिया है चना मसाला। ये मार्केट में मिल जाता है बहुत इजीली, और बहुत सी कंपनी का मिलता है, आप कोई भी लेकर यूज़ कर सकते हैं। 2 चम्मच इसमें डाल देंगे चना मसाला। इसके साथ ही ऐड करना है इसमें 1 चम्मच धनिया का पाउडर, इसमें ऐड कर देंगे आमचूर का पाउडर 1 चम्मच। अगर आपके पास आमचूर पाउडर ना हो, अगर आपके पास अनारदाना पिसा हुआ हो या उसका पाउडर हो, आप वो भी यूज कर सकते हैं इसकी जगह पर। अब इसमें ऐड कर देना है लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच, या अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज्यादा ऐड कर सकते हैं। और बिल्कुल थोड़ी सी इसमें ऐड करनी है हल्दी। और इन सभी मसालों को पहले अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो ये अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो यहाँ पर अब कुछ खड़े मसाले लिए हैं, जिसमें मैंने लिया है 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची और 2 लौंग। अब यहाँ पर छोले लिए हैं, जिन्हें मैंने 6 से 7 घंटे तक लगभग भिगो दिया था। आप चाहे तो 6 से 7 घंटे या ओवरनाइट भिगो सकते हैं। तो अब बनाना शुरू करते हैं। कुकर में ही डायरेक्ट हम बनाएंगे छोलों को। तो इसके लिए सबसे पहले कुकर में डाल देना है तेल, 3 चम्मच लिया है यहाँ पर तेल, वेजिटेबल ऑयल, आप किसी भी तेल में बना सकते हैं। इसके साथ ही इसमें ऐड कर देंगे प्याज, जो कि बारीक काटे थे। अगर आप कद्दूकस करते हैं या मिक्सी में करते हैं तो उन प्याज को पकाने में और भी ज़्यादा टाइम लगता है। तो अगर आप उस तरह से कर रहे हैं तो फिर लो फ्लेम पर अच्छे से ज़्यादा कुक करिएगा। इसके साथ ही खड़े मसाले ऐड कर देंगे और प्याज को बहुत अच्छे से भून लेंगे मीडियम से लो फ्लेम के ऊपर। इसके साथ ही ऐड करना है 1 चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट। आप देखेंगे कि प्याज जो है बहुत अच्छे से भून चुके हैं। इसमें ऐड करने हैं टमाटो प्यूरी, इसे डालकर भी हम लगभग 1-2 मिनट तक कुक करेंगे। 1-2 मिनट के बाद हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे जो कि हमने मिक्स करे थे। इन्हें मिक्स कर देंगे और इसके साथ ही ऐड करना है नमक, जो कि हम डालेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। आपको जैसा खाना हो नमक कम या ज़्यादा, आप उसी के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। और पकाएंगे इन मसालों को हम तब तक कुक करेंगे जब तक कि इसका जो तेल है बिल्कुल सेपरेट नहीं हो जाएगा। 2 से 4 मिनट तक कुक करने के बाद आप देखेंगे जो तेल है बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। कोई भी सब्जी हम बनाएं तो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि उसका जो मसाला है बहुत अच्छे से कुक हो जाए। और अब इसमें ऐड कर देंगे भीगे हुए छोले और भूनेंगे 1 से 2 मिनट के लिए इन चनों को, छोलों को। अब हमें एक पैन में लेना है पानी और इसमें डालेंगे पत्ती, जो चाय पत्ती होती है, कलर के लिए इसमें ऐड करनी है हमें। तो इसे डालकर हम बॉईल करेंगे और इसका पानी डाल देंगे छोलों में। इससे जो छोले का कलर होगा बहुत ही अच्छा आएगा। अब हम इसमें स्ट्रेन करके डाल देंगे पानी चाय पत्ती का।
अब यहाँ पर पानी ऐड कर देंगे, जिसमें मैंने पानी में भिगोए थे चने, क्योंकि मैं चने जब भिगोती हूँ तो पानी से अच्छे से धोकर 4-5 बार तो ही पानी में भिगोती हूँ चनों को, तो वही पानी यूज़ हो जाता है जब हम इसको बॉयल करते हैं या कुक करते हैं चने को। तो मैंने उतना ही पानी डाला है जिसमें जो चने हैं बहुत अच्छे से भीग जाएं। बहुत ज़्यादा पानी इसमें ऐड नहीं करेंगे हम, क्योंकि हमें इसे कम तरी वाला ग्रेवी वाला बनाना है। तो इसे विसल दिलवा देंगे लगभग आधा घंटा। तो आप देख सकते हैं कि खोलने के बाद ये अच्छे से पक चुके हैं चने। अब हमें इसमें लगाना है तड़का, जिसके लिए एक पैन लेंगे। पैन में डाल देंगे 2 से 3 चम्मच तेल। जब हल्का सा तेल गर्म हो जाएगा, इसमें हम हल्की सी डाल देंगे हींग। बहुत ही कम, चुटकी के करीब ही ऐड करेंगे हींग। और इसके साथ हम डालेंगे जो हमने हरी मिर्च और अदरक काटे थे, उसे ऐड करेंगे और इसे अच्छे से भूनना है। और भूनने के बाद इसे हम डाल देंगे चना मसाला में, छोले जो हमने रेडी किए हैं उसमें। और छोले बनकर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। आप इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए भटूरे के साथ, राइस के साथ, पूरी, चपाती, नान के साथ। बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये पंजाबी छोले की रेसिपी कैसी लगी है? अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट और सजेशन देना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके कमेंट्स और सजेशन हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, मैटर करते हैं, तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करिएगा। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।